अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ये मेरा दूसरा चैनल है, इसी चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ करेंगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती हैं। एक आधा मिनट भी नहीं लगता ये सारा प्रोसेस करने में, तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। तकरीबन 10-11 वीडियो होंगी और हर वीडियो के अंदर मैं एक गज़ा या एक चीज़ आपको ऐसी बताऊँगा जो मनी को गाढ़ा करने वाली होगी, और ये बात मैं गारंटी से जो भी बताऊँगा वो ऑथेंटिक और मुस्तनद बात होगी। आप तजर्बा करें, मेरी बात आजमाएं, तो फिर मुझे बताएं। कोई इसको माई का लाल गज़ साबित नहीं कर सकता। एक बात ज़हन में रखें, हर खुश्क सर्द चीज़ जो है वो मनी को गाढ़ा करती हैं। हम आपको बताते जाएंगे पार्ट वाइज कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी गज़ाएँ जो हैं वो मनी को गाढ़ा करती हैं। फिर इसके बाद हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ें मनी को पतला करती हैं। तो आदमी बेचारे को पता नहीं होता, वो साथ गज़ाएँ भी खा रहा होता है, दवाई भी खा रहा होता है, वो ऐसी चीज़ें भी खा रहा होता है जिनसे मनी पतली होती है। फिर वो शिकवा करता है, जी दवाई का असर नहीं हुआ, गज़ा का असर नहीं हुआ। तो बेचारे को पता नहीं है खुश सर चीज़ कौन सी है, तारक गर्म कौन सी है, गर्म तारक कौन सी है, खुश गर्म कौन सी है, गर्म खुश कौन सी है। तो खुश सर्स का मतलब ये है कि दो हिस्से उस चीज़ के अंदर खुश्की होती है, एक हिस्सा सर्दी होती है। तो वो चीज़, वो गज़ा मनी को गाढ़ा करती है। सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे मक्की, मकई जिसको कहते हैं, ये खुश्क सर्द इसका मजाज है, ये मनी को बहुत गाढ़ा करती है। आप मकई इस्तेमाल करें, आप इसके चने भूनकर इस्तेमाल करें, और बेहतर यह है कि आप गंदम की रोटी बंद करके इसकी रोटी खाना शुरू कर दें। लेकिन चीज़ वो होती है जो एक हफ्ता, 10 दिन 15 दिन आदमी इस्तेमाल करे फिर रिज़ल्ट सामने आता है। ये कोई एलोपैथ टीका तो है नहीं, अभी लगाया और इधर ठीक हो गया। तो मकई आप, आपके अंदर जानी चाहिए, आप जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करें, भून के इस्तेमाल करें, ये पठान भूनते हैं उनसे ले लें, इसके दाने बना लें और इसकी रोटी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे। दोस्तों, आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।